नमस्कार, हब हिस्ट्री पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। मैं देवेंद्र पांडे, आज एसएससी जीडी 2024-25 का जो फॉर्म आया, फॉर्म निकलने वाला या निकला होगा, भरा जा रहा होगा, और उसकी परीक्षा जो होने वाले, उसके लिए अभी से जुड़ जाइए। जहाँ कहीं भी जो लोग भी हैं, जो लोग भी भारत माता के रक्षक बनने वाले हैं, तो कल से, आज तो प्रैक्टिस सेट में ले रहा हूं, ये तीसरा सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट का ये तीसरा सेट चल रहा है, ठीक है। कल से मैं सोच रहा हूं कि अभी एग्जाम होने में समय है तो मैं टॉपिक को पढ़ा दूं, कल से मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो फटाक से जो लोग जहां भी हो लाइव आ जाइए। देर न करते हुए आज के हम पहले प्रश्न को लेते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है वो रहा ये आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है। वाक्य दिया गया है एक आपको, और उसके कौन से भाग में, इसके कौन से भाग में त्रुटि है, यही आपको बताना है। वाक्य, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, यही है आपका वाक्य। और आपको यह बताना है कि इसके किस भाग में त्रुटि है, का पता मालूम नहीं इस आदमी या मुझे। वाक्य तो देखने में एकदम सरल लग रहा है, एकदम सही लग रहा है, शुद्ध। अगर एक विकल्प इसमें होता सभी सही हैं तो आप तो फटाक से करके आते, या इनमें से कोई नहीं तो आप फिर फटाक से करके आते। इसमें क्या गलत है बताइए भाई, इसमें गलत है मालूम शब्द जो है ये गलत है। शुद्ध शब्द होता है मालूम, मालूम, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है, मालूम। अच्छा, हम लोग बोलते समय मालूम ही प्रयोग करते हैं, मालूम ही बोलते हैं, और अक्सर एग्जामों में वही शब्द दिए जाते हैं जो आपकी आंखों के सामने आते जाते रहे, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो यह मालूम लिखा, जबकि होना चाहिए शुद्ध क्या है, मालूम। तो मालूम शब्द कौन से वाले में है, ए में है नहीं, इस आदमी में है नहीं, मुझे में नहीं है, किसमें, बी में। इसलिए बी वाला जो है आपका एकदम राइट आंसर होगा, मालूम नहीं है इस वाक्य में, मालूम शब्द ही गड़बड़ है, ठीक है, यही वाला गड़बड़ है, यही वाला गलत है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न संख्या दो। प्रश्न संख्या दो कह रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, यहां मैं आगरा गई थी, इसमें रेखांकित नहीं, इसमें रेखांकित शब्द यही होना चाहिए, यहां मैं आगरा गई थी, ठीक है, यही वाला पद रेखांकित होना चाहिए, ठीक है, पूरा नहीं रेखांकित होना चाहिए, यही वाला पद आपका रेखांकित होना चाहिए। तो बताइए, अब ये पद मान लिया हमने गलत है, या हो सकता है कि ये गलत है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं रखा जाएगा। बताइए इसके स्थान पर प्रतिस्थापित, यानी इसके स्थान पर इन वाक्यों में से कौन सा वाक्य रख दें। यहां पर आगरा गई थी ये रखा जाए, कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, और यहां मैं आगरा गई थी कि यहां पर आगरा गई थी, यहां आगरा पर गई थी कि वहां से आगरा गई थी कि वहां पर आगरा गई थी, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है आपका, ठीक है। सही क्या है, वहां से दिल्ली गई थी, तो फिर दिल्ली गई थी, फिर क्या हुआ भाई, कहे वहां से आगरा गई थी, यहां क्या होना चाहिए, दिल्ली गई थी, यहां नहीं होना चाहिए, यहां वहां होना चाहिए, वहां, ठीक, से मे की जगह से होना चाहिए, और आगरा गई थी, वहां से, यहां में जो लिखा यहां क्या होना चाहिए, वहां से आगरा गई थी, यही आपका सबसे राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न संख्या तीन। प्रश्न संख्या तीन कह रहा है, प्रश्न संख्या तीन क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या तीन कह रहा है कि बगीचा का सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का चयन करें। यानी यह वाक्य आपका जो है ये गलत है, बगीचा का सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य क्या चयन करें। बगीचे का सुंदरता, सुंदरता शब्द जो है यह है स्त्रीलिंग, सुंदरता शब्द जो है यह क्या है, सुंदरता शब्द जो है यह है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग,
ठीक, स्त्रीलिंग है ये, और स्त्रीलिंग है तो फिर बाकी भी स्त्रीलिंग होना चाहिए, है ना, का होना नहीं चाहिए। बगीचे का सुंदरता अनूठी है, गलत। बगीचे की सुंदरता अनूठी है, बगीचे की सुंदरता अनूठा, अनूठा कहाँ से होगा भाई? सुंदरता अगर स्त्रीलिंग है तो अनूठी शब्द होना चाहिए। बगीचे की सुंदरता अनूठा है, गलत, दोनों एक ही लिखा है। फिर क्या होगा? बगीचे की सुंदरता, बगीचे की सुंदरता अनूठी है, है ना। सुंदरता स्त्रीलिंग है तो की लगेगा और अनूठी होगा, अनूठा नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या चार। प्रश्न संख्या चार रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या चार क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि टस से मस नहीं होना मुहावरे का अर्थ है। टस से मस नहीं होना मुहावरा है, और मुहावरे का अर्थ होता है, क्या अर्थ है इस मुहावरे का? लिखिए, कठोर हृदय होना, अन्य विनय से न पसीजना, जगह नहीं बदलना, धैर्य पूर्वक सहन करना, बिल्कुल नहीं हो। पता चला हमने इतनी विनती की लेकिन वह आदमी टस से मस नहीं हुआ, यानी अनुनय विनय से न पसीजना, अनुनय विनय करने पे भी न मानना, क्या होता है? टस से मस न होना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या पांच। प्रश्न संख्या पांच क्या कह रहा है भाई? पांच, पांचवें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? पूंजी भांग न होना, पूंजी नहीं होता, भूंजी भांग होता है, पूंजी नहीं होगा यहां, क्या होगा? भूंजी, भूंजी भांग न होना। गांव में कहावत है, घरे भूंजी भांगी नहीं है, या चलिन भूंजा हुआ है। गांव में एक कहावत है कि घरे भूंजी भांगी नहीं, अय्या चलिन भूंजा हुआ है। तो भूंजी भांग न होना मुहावरे का अर्थ है। नशे में चूर होना बिल्कुल नहीं, पता चला भांग शब्द देख के आप नशे में चूर हो गए, बिल्कुल नहीं होना है। होश में ना रहना, ये नहीं कि भांग देखो तो होश में धोखा देना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर क्या होगा? दरिद्र होना, घर में कुछ न होना, क्या होना? दरिद्र होना। बी वाला आपका आंसर एकदम राइट है, बी वाला आंसर एकदम आपका राइट है। चलिए प्रश्न संख्या छठवें पे चलते हैं। प्रश्न संख्या छह कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न संख्या छह? प्रश्न संख्या छह कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्दों को छांटिए। मधुर का कटु सही है, पुरस्कार का नीचे दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्दों को छांटिए। गलत कर किया इसमें, तीन इसमें गलत है भाई। सही विलोम, नीचे दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द को छांटिए, सही विलोम शब्दों नहीं, सही विलोम शब्द को छांटिए होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? उत्थान का अभ्युत्थान, बिल्कुल नहीं होता, उत्थान का होता है पतन। उत्थान का विलोम क्या होता है? पतन, ये तो नहीं होगा। उत्थान और अभ्युत्थान दोनों एक ही चीज है। वरिष्ठ का क्या होता है? ज्येष्ठ, वरिष्ठ और ज्येष्ठ दोनों एक ही है। वरिष्ठ का क्या होता है? कनिष्ठ, कनिष्ठ, ठीक है, वरिष्ठ का कनिष्ठ होता है। और ज्येष्ठ का क्या होता है बताइए भाई आप लोग? ज्येष्ठ का क्या होगा? ज्येष्ठ का होता है छोटा, कहते हैं ज्येष्ठ माने बड़ा भाई, ज्येष्ठ पुत्र या छोटा कहते हैं। ज्येष्ठ के लिए छोटा शब्द का हम प्रयोग करते हैं, या ज्येष्ठ का होता है लघु, दीर्घ का भी लघु होता है, ज्येष्ठ का होता है वरिष्ठ का भी कनिष्ठ होता है, ज्येष्ठ का भी कनिष्ठ होता है, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, दोनों का एक ही होता है। ज्येष्ठ का भी क्या होता है? कनिष्ठ। वरिष्ठ का भी कनिष्ठ होता है और ज्येष्ठ का भी कनिष्ठ होता है, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, वरिष्ठ माने होता है बड़ा और ज्येष्ठ माने भी होता है बड़ा। इसका क्या होगा? कनिष्ठ होगा, ठीक है। वरिष्ठ का और ज्येष्ठ का क्या होगा? कनिष्ठ होगा, यानी एक दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं, ये भी गलत हो गया आपका। पुरस्कार और पारितोषिक, पुरस्कार माने भी होता है पुरस्कार, पारितोषिक माने भी होता है पुरस्कार, इन दोनों का विलोम क्या होता है? दंड। पुरस्कार का विलोम क्या होता है? पारितोषिक का कर सकते हो आप दंड, पुरस्कार का एक विलोम और होता है। पुरस्कार का एक विलोम होता है क्या? पारितोषिक का दंड, पुरस्कार का आप तिरस्कार कर सकते हो, तिरस्कार। पुरस्कार का तिरस्कार, पारितोषिक का दंड। तो फिर ये भी गलत हो गया, ये दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं है, ये भी गलत हो गया, ठीक। फिर बचा क्या? मधुर, मधुर का विलोम होता है कटु, मधुर का क्या होता है? कटु। डी वाला ही आपका आंसर एकदम राइट है, आपका डी वाला आंसर ही एकदम राइट आंसर है, क्या? मधुर का कटु, ठीक। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या
है। प्रश्न संख्या सात है आपके स्क्रीन पे, क्या नीचे दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द को छाटिए, बताइए भाई। उत्कर्ष का अपकर्ष, उन्मूलन का विलयन होगा? बिल्कुल नहीं, उन्मूलन का होता है रोपण। उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ना, रोपण माने होता है रोपना लगाना। विलयन का क्या होता है भाई बताइए? विलयन का होता है पृथक्करण, पृथक्करण। एक नीचे दिए शब्दों के सही विलोम शब्द को छांटिए, ठीक है। तो उन्मूलन विलयन तो होगा नहीं, ठीक है। विषाद का अवसाद होगा, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, बताइए क्या होगा भाई? अवसाद का होता है प्रसन्नता, अवसाद का क्या होता है? प्रसन्नता, ठीक है। अवसाद का मतलब क्या होता है? प्रसन्नता। तो विषाद का अवसाद होगा, विषाद माने क्या होता है? विषाद माने तो दुख होता है, सही बात है। विषाद का क्या विलोम होता है? प्रसन्नता। तो विषाद माने भी होता है दुख, और अवसाद माने भी क्या होता है? दुख। विषाद अवसाद दोनों एक ही चीज है, इसलिए ये वाला भी नहीं हुआ, ये वाला भी नहीं हुआ। अकार नीचे दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द को छाटिए, यानी एक ऐसा होगा जिसमें सही विलोम शब्द होगा। विषाद अवसाद, अवसाद विषाद दोनों एक ही है, दोनों का मतलब क्या होता है? दुख। इसका विलोम क्या होता है? प्रसन्नता। उन्मूलन का विलोम होता है रोपण, विलयन का होता है पृथक्करण। उन्मूलन और विलयन अलग अलग शब्द ही है, ठीक है। कृश और दुर्बल, बताइए क्या होगा? दुर्बल का विलोम होता है सबल, दुर्बल का विलोम क्या होता है? सबल। और कृष का विलोम होता है पुष्ट या हृष्ट पुष्ट, दोनों होता है, हृष्ट पुष्ट। कृष का विलोम क्या होता है? हृष्ट पुष्ट। और दुर्बल का सबल, यानी ये दोनों आपस में विलोम नहीं है, ये भी गलत हो गया आपका। फिर है कौन सा? करे उत्कर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष। उत्कर्ष माने होती है उन्नति, अपकर्ष माने होती है अवनति। इसलिए ए वाला आपका आंसर एकदम सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या आठ, 20 प्रश्न ऐसे देंगे सर। प्रश्न संख्या आठ पे चलते हैं। करे शुद्ध वर्तनी का चयन करें। आशीर्वाद, 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 यह बहुत आया है, कई बड़े बड़े एग्जामों में प्रश्न आया है, ठीक है। आरसीवाद नहीं होता, आरसीवाद बिल्कुल गलत, आरसीवाद बिल्कुल गलत। और हम लोगों के साइड तक तो बस जाते, उसमें लिखा था माँ का आरसीवाद, यही वाला लिखा रहता है, गलत है, ठीक है ना। फिर आशीर्वाद, ये गलत है। फिर क्या होगा? आशीर्वाद, सी वाला एकदम राइट आंसर है, सी वाला एकदम आपका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या नौ पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नौ कह रहा है क्या? प्रश्न संख्या नौ कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। प्रेरित, प्रेरित, प्रेरिती है एक ठो, प्रेरित है एक ठो, प्ररति है और प्रेरित है, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। प्रेरिती नहीं होता, प्रेरित होता है। बी वाला आपका एकदम राइट आंसर, प्रेरित। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत उनचास, अट्टहास कर गर्जा कपि बढ़ लाग आकाश। प्रेरित शब्द सुंदर कांड में भी है। ताजमहल का अद्भुत, ताजमहल यहां भरना है, यहां फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ताजमहल का अद्भुत नमूना है, काहे का? दिए गए विकल्पों में सही रिक्त स्थान। तो ताजमहल क्या है? चित्रकला है। अरे पेन पेंसिल से जो चित्रकारी करो, कलर से जो चित्रकारी करो, वो चित्रकला होता है। शिल्पकला है, जो हाथों से छोटे छोटे खिलौने, छोटी छोटी मूर्तियां बनाई जाती हैं और कालीन वगैरह जो बनाई जाती है, यह शिल्पकला कहलाता है, ठीक है। फिर क्या है? मूर्तिकला है। ताजमहल मूर्ति है क्या? मूर्तिकला है। मूर्तिकला नहीं होगा। फिर स्थापत्य कला, भवनों का निर्माण, महलों का निर्माण, ऐसे निर्माण को हम क्या कहते हैं? स्थापत्य कला। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में, उसकी पत्नी थी। अब बनाया किसने था ताजमहल को, बताओ भाई? किस कारीगर ने ताजमहल को बनाया था, बताइए मैं सर? उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था ताजमहल को।
ठीक है, बाद में बेचारे का हाथ कटवा लिया था शाहजहां। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 करें, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। वैसा ही उच्चारण में हिंदी में भी करनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं, वैसा ही पहला है ये उच्चारण हमें हिंदी में करनी चाहिए, ठीक है। तीसरा है कोई त्रुटि नहीं, बताइए कौन से वाक्य में गलत है, वैसा ही में गलत है कि उच्चारण हमें हिंदी में भी करनी चाहिए कोई त्रुटि नहीं, कौन सा इसमें गलत है बताइए भाई। तो उच्चारण हमें वैसा ही उच्चारण हमें हिंदी में भी करनी चाहिए। उच्चारण शब्द जो है ये क्या है, ये पुल्लिंग है, उच्चारण शब्द जो है ये क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग है तो करनी नहीं होगा, क्या होना चाहिए, करना, क्या होना चाहिए, यहां करना चाहिए, ठीक। वैसा ही उच्चारण हमें हिंदी में भी करना चाहिए, और तो फिर किसमें है, ये तीसरा वाला है, करनी चाहिए लिखा ना, तीसरा वाला है, तो तीसरे वाले में क्या है, त्रुटि है। ये प्रश्न में समझने में बड़ी समस्या है, अगर न समझ पाए और ज्यादा टाइम लेने लगा तो फिर कहोगे कि यार ज्यादा टाइम ले रहा है, चलो लगा के आगे बढ़ते हैं, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 रहा आपके स्क्रीन पे, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई त्रुटि है, दिए अनुच्छेद का शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेदों का निहित भागों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। शीर्षक का चयन करते समय, यहां तक तो ठीक है, अनुच्छेदों का निहित भागों और विचारों की परख कर, ये भी सही है, भागों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए, यहां तक सही है। अब गड़बड़ कहां होगा फिर भाई, गड़बड़ इधर होना चाहिए, अनुच्छेदों का निहित, या नहीं, अनुच्छेदों के होना चाहिए, अनुच्छेदों के निहित भागों का नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, अनुच्छेदों के निहित भागों और विचारों के। शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेदों के निहित भागों ना में होगा, अनुच्छेदों में भाग होते हैं ना सर, जैसे संविधान संशोधन करने के बाद कई अनुच्छेदों में कई भाग बन जाते हैं, तो फला अनुच्छेद में इतने भाग है, अनुच्छेदों में निहित, अनुच्छेदों का नहीं होगा, अनुच्छेदों में निहित भागों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, किसमें गड़बड़ी है भाई, अनुच्छेदों का निहित डी वाला, इसी भाग में आपके गड़बड़ी है, ध्यान रखिएगा। एक बार की तो मैं भी कंफ्यूजन हो गया, के कर दिया, लेकिन नहीं, अनुच्छेदों में भाग होते हैं, ठीक है ना, तो अनुच्छेदों में निहित भागों का क्या करना चाहिए, विचार और परख कर लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 है आपके स्क्रीन पे, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, वह सदैव से बड़ों का आदर करता है, यहां होना चाहिए रिक्त स्थान, वह सदैव से, इसके बाद यहां रिक्त स्थान होना चाहिए, ठीक है, बस सदैव से, इसके बाद रिक्त स्थान होना चाहिए, ठीक, रिक्त स्थान दिया नहीं है, वह सदैव के बाद क्या होना चाहिए, डॉट 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 रिक्त स्थान, वह सदैव से बड़ों का आदर करता है, क्या वह सदैव क्या करता है, पराये से बड़ों का आदर करता है भाई, तुम्हारे से बिल्कुल नहीं, हमारे से बिल्कुल नहीं, जो आदर करेगा वो अपने से बड़ों का करेगा, तो कौन सा शब्द यहां भरा जाएगा, सी वाला, वह सदैव अपने से बड़ों का आदर करता है, यहां कौन सा शब्द भरा जाएगा, अपने 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 से बड़ों का आदर करता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 रहा आपके स्क्रीन पे, क्या है, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, विष्णु का पर्यायवाची क्या है, नहीं है, ब्रश वाला ले देखें कैसे चलता है सर, सही तो चल रहा है ब्रश वाला, ठीक है, तो इनमें से कौन सा शब्द जो है विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या हुआ, सही तो चल रहा है,
इनमें से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है भाई? कल राइटिंग में हो गया इसे, चलिए पेन लेते हैं। विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है बताइए? केशव, चक्रपाणि, दामोदर, मुक्त पुरुष, बताइए किसका पर्यायवाची है? मुक्त, देखिए केशव, अरे पूजा पाठ होती तो सबसे पहले शुद्धिकरण वाला मंत्र यही पढ़ते, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, तो केशवाय नमः विष्णु भगवान का नाम है केशव, ये है विष्णु भगवान का। चक्रपाणि, बहुव्रीहि समास है, चक्र पाणे यस्य सह, चक्रपाणि किसके पाणि, पाणि माने होता है हाथ, पाणि माने क्या होता है, पाणि माने होता है हाथ, क्या होता है हाथ, अरे उल्टा तो हमसे जो, केशव पर्यायवाची है विष्णु का, पाणि माने क्या होता है हाथ, पाणि माने क्या होता है हाथ, ये क्या है, यही वाला होगा दामोदर, दामोदर नाम है कृष्ण का और कृष्ण भी विष्णु के ही पर्याय हैं। दाम धन उदर, दामोदर गुण संधि है, क्या है दाम धन उदर, इसमें गुण संधि है, क्या दाम धन उदर, भगवान कृष्ण के बहुत से नाम पड़ गए थे इसे छोटी छोटी गलतियों की वजह से। दामोदर, दाम माने होता है रस्सी, उदर माने होता है पेट, माता यशोदा ने एक बार ओखल से लगा करके पेट में रस्सी बांध दी थी तभी से उनका एक नाम पड़ गया दामोदर, ठीक है। तो दामोदर भी किसका पर्यायवाची है, विष्णु का। मुक्त पुरुष, वह पुरुष जो संसार की मोह माया से मुक्त हो, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, वह कोई भी हो सकता है, इसलिए डी वाला आपका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 रहा आपकी स्क्रीन के सामने। जो स्त्री सूर्य, बहुत बढ़िया है, बहुत कठिन वाला पूछ लिया भाई, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बड़ा तगड़ा प्रश्न आया है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको क्या कहते हैं, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख सके, विदुषी ना भाई, विदुषी नहीं, जो जो स्त्री बहुत विद्वान उसको विदुषी कहते हैं। अलक्षा, बिल्कुल नहीं, अलक्षा नहीं होगा, अलक्षा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा अलक्षा। फिर क्या होगा भाई, असूर्यम पश, ये गलत लिखा है थोड़ा सा, असूर्यम पश्या नहीं होता इसका, इसका ये गलत लिखा है, ये होता असूर्य पश्या, असूर्य पश्या, ठीक है। पश्य माने होता है देखना, और असूर्य, जिसने कभी सूर्य को न देखा हो, जिसका क्या होगा असूर्य पश्य, जो शास्त्रों की जानकार उसको शास्त्रज्ञ कहते हैं। अलक्ष्य, जिसने कभी कोई लक्ष्य ही न बनाया हो, वो क्या कहलाती है, अलक्ष्य कहलाती है, ठीक है ना, जिसका कोई लक्ष्य ही न हो अलक्ष्य कहलाती है, असूर्य पश्य होगा। सी वाला आंसर आपका एकदम राइट है, ये बड़ा कठिन पूछ लिया है हाँ, लेकिन विकल्प जो दिया था, विकल्प थोड़ा और बढ़िया से दिया होता तगड़ा तो आप लोग इसमें फंस जाते। अज्ञ का अर्थ क्या होता है, अज्ञ का अर्थ क्या होता है, जो कुछ भी नहीं जानता, जो सब कुछ जानता, जो बहुत थोड़ा जानता, और जो जानता भी हो और नहीं भी जानता, ये तो एकदम से गलत है, जो जानता भी हो और नहीं जानता, ये क्या, या तो जानेगा या तो नहीं जानेगा, जो बहुत थोड़ा सा जानता हो इसको क्या कहा जाता है, अल्पज्ञ, ठीक है, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, और जो कुछ नहीं जानता हो क्या कहते हैं उसको, अज्ञ। तो ए वाला आंसर आपका एकदम क्या है, राइट है, ए वाला आंसर एकदम आपका राइट है, ठीक है। जो कुछ भी नहीं जानता अज्ञ, अज्ञ का विलोम होता है क्या, विज्ञ, ठीक है। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जो बहुत थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, और जो जानता भी हो और नहीं जानता उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। अगला चलिए प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 निर्देश 17 से 20 में निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान के अनुपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। महाराजा छत्रसाल का युद्ध अद्भुत था, क्या था, अद्भुत था, युद्ध के बाद क्या है, रिक्त स्थान है, युद्ध के बाद क्या है, यहां क्या है, रिक्त स्थान है। महाराजा छत्रसाल का युद्ध डैश डैश डॉट डॉट है उसके बाद अद्भुत था, क्या था, परंपरागत था, परंपरागत युद्ध लड़ते थे छत्रसाल, महाराजा छत्रसाल का युद्ध गुण था, बिल्कुल नहीं, बल था, बिल्कुल नहीं, कौशल, युद्ध में कुशलता देखी जाती है,
कि कौन सा योद्धा युद्ध करने की कला में कितना कुशल है, तो महाराजा छत्रसाल का युद्ध कौशल सी वाला आंसर आपका यहां राइट होगा, यहां क्या भरा जाएगा कौशल। 18वां प्रश्न है, जो व्यक्ति गरीब है यहां समाज उसे, फिर यहां रिक्त स्थान होना चाहिए था, उसे की भावना से देखता है, बताइए। नीचता की भावना से बिल्कुल नहीं, लज्जा की भावना से बिल्कुल नहीं, कुंठा की भावना से बिल्कुल नहीं, हीनता, समाज उसे हीनता की भावना से देखता है, ए वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित, यहां इसके बाद डैश होना चाहिए, ठीक है, डॉट डॉट होना चाहिए, उचित को आवेदन करें, क्या उचित विचार को, विचार को कौन आवेदन करेगा, विचार तो भाव है, भाव को कोई आवेदन करता है क्या, उचित प्रकार को आवेदन करे ना, प्रकार को तो हो नहीं सकता, प्रकार का होता तो एक बार सोचते भी, उचित माध्यम को कि उचित अधिकारी को, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित अधिकारी को आवेदन करें, यही होना चाहिए आपका, बी वाला एकदम आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 20, निंदकों के द्वारा डैश डैश है, लाभ से लाभ होता है, निंदकों के द्वारा निदान से, निंदक निदान करेगा आपका गलत, निरूपण करेगा आपकी व्याख्या करेगा, निरूपण माने होता है व्याख्या करना, निंदकों के द्वारा निरूपण से कि निंदकों के द्वारा दोषारोपण से कि निंदकों के द्वारा आरोपण से क्या होगा बताइए, आरोपण, निंदक क्या करते हैं दोष लगाते हैं आपके, निंदक आपका दोष उजागर करते हैं तो क्या हो जाएगा दोषारोपण, निंदकों के द्वारा दोषारोपण से लाभ ही होता है, जब निंदक आपके ऊपर दोष लगाएगा तो क्या होगा आप अपने दोष को सुधार, क्योंकि फर्जी तो कोई दोष लगाएगा नहीं, आप अपने दोष को सुधारने का प्रयास करेंगे, और जब आप अपने दोष को सुधारने का प्रयास करेंगे तो आपको क्या होगा लाभ। रहीम का एक दोहा है आप लोगों को ने अगर पढ़ा होगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होए सुभाए, यानी निंदक व्यक्ति को अपने नजदीक रखना चाहिए, यहां तक कि अगर उसका घर, उसकी कुटिया अपने आंगन में बनवानी चाहिए तो भी आप उसको अपने पास रखिए, उसको दूर मत भगाइए, क्यों, क्योंकि निंदक जो होगा आपकी निंदा करेगा तभी जब आपके अंदर वो कोई कमी पाएगा तब ही निंदा करेगा, और जब निंदा करेगा और निंदा आपके पास तक पहुंचेगी, वह बात आप तक पहुंचेगी, अगर आप अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं तो आप सुधार करेंगे, उससे आपका स्वभाव क्या होगा निर्मल होगा, इसलिए निंदकों की निंदा या निंदकों को दूर नहीं भगाना चाहिए, उनको अपने पास रखना चाहिए, उससे में क्या होता है लाभ ही होता है, ठीक है ना, लाभ ही होता है, ठीक है। आज का ये सेशन यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम टॉपिक शुरू करेंगे, कोई एक टॉपिक शुरू करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है, वो कल टॉपिक आपके सामने आ ही जाएगा, टॉपिक वाइज शुरू करेंगे, तो आज के लिए बस यहीं तक, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, फिर मिलते हैं।